आपने ना अलाइनमेंट वाली फाइल भेज दी है, तब मैं बनाता हूँ उसका। ठीक ठीक है सर। इसकी सीक्वेंसेस भी बहुत ज्यादा थे, 35+ हैं तीनों के। टोटल सर एक के सिट्रस एनेंसिस के शायद 38 हैं, जो अरेबिडोप्सिस था उसके 37 थे शायद, और सर एक के 34 हैं। इसका काम किस पे है? अच्छा, सर जीएसटी ग्रेप्स पे है सर। जीएसटी जीन इन ग्रेप्स है। अच्छा, जी सर। ये टेबल बना लिया आप लोगों ने? जी सर बना लिया।
ये देखो इन्होंने ना और ही तरीके से इनको ग्रुपिंग की हुई है, फाई ठीक है। लैम्डा जीटा। चलेंगे और पेपर देखते हैं। ठीक है फिर। आपको ना पेपर पढ़ने पड़ेंगे कितने? फिर वो इंट्रोडक्शन के लिए तो पढ़े हैं लेकिन ये आगे से नहीं देखे। इसके लिए भी पढ़ने पड़ेंगे। जी सर। तो ग्रुपिंग अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। नहीं वो तो कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर किसी ने ऑलरेडी की हुई है ना, ये देखना इन्होंने कहा है The genome location of 49 full length GSTs were assigned to the capsule rubella, except for the chromosome number 8. ठीक है। ठीक है। अच्छा, distribution of GST among the chromosomes was obviously heterogeneous. सेवन क्लस्टर हैं इनके, इनके सेवन ग्रुप्स बने हैं, ठीक है। जी सर। With relatively high density of GSTs were discovered on four chromosomes. आपने लोकेशन फाइंड आउट कर लिया इसकी कि अब ये इसका फाइलोजेनिक ट्री है। अच्छा, ये अरेबिडोप्सिस के इन्होंने कितने सीक्वेंसेस हैं आपके अंदर, आपने कितने किए फाइंड? सर 38 है अरेबिडोप्सिस के या 37 है। सर मैं आपको देख के बता देती हूँ अभी। इनके मुताबिक है, इस पेपर के मुताबिक तो अरेबिडोप्सिस के तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस अच्छा आपने ना क्या करना है कि बस ठीक है, आप ना इसको खुद ही ग्रुपिंग कर दो। सर वो आप कर देना, ग्रुपिंग नहीं करनी आती इसीलिए आपको मतलब कहा था कि अच्छा चलिए, मुझे मैं अब आपको ये मतलब। देखें। अच्छा अब ये यू, अच्छा कुछ के अंदर ये यू लिख रहा है, ये यू क्यों लिख रहा है? सर पता नहीं। ये इससे पता चलेगा। अच्छा पहले तो ये पढ़ो ना भी, ये इसकी ना इन्होंने इसके अंदर ये देखे ना, इसके अंदर दिस इज दैट। अब ये देखना कुछ के अंदर ये यू लिख रहा है, जीएसटी U9 U10 U13, ठीक है। और कुछ के अंदर फिर ये लिख रहा है GST F1। फिर GST L1, फिर ये आ गया EF B1Y, या ये कुछ और है, वो और है, इसको थोड़ा सा ना
पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? सर मैंने तो जितने भी रिसर्च पेपर पढ़े हैं सर उसमें जीएसटी ही मतलब लिखा हुआ है मोस्टली में। सर चार पांच पढ़े थे चले, इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक आप ना ये मैं अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अच्छा, ग्लूथायोन एस ट्रांसफरेजेस आर अ ग्रुप ऑफ मल्टीफंक्शनल सुपर फैमिली एंजाइम वाइडली एग्जिस्टिंग इन प्लांट्स, ठीक है? ये एक मल्टी फंक्शनल प्रोटीन है, ठीक है, एक एंजाइम है जो कि बहुत ज्यादा प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। द फैमिली इज मेनली यूज एज अ डिटॉक्सिफिकेशन पाथवे, डिटॉक्सिफिकेशन पाथवे इन प्लांट थ्रू द कैटालाइटिंग ऑफ द बाइंडिंग ऑफ ग्लूथायोन। अच्छा, अब डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है? अच्छा, अब डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि कोई ऐसी टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि प्लांट के अंदर कोई टॉक्सिसिटी आती है, टॉक्सिसिटी का तो मतलब पता है ना आपको, जी सर, और ये उसको डिटॉक्सिफाई करता है। इट मीन दिस इज अ गुड एंजाइम जो कि प्लांट को किसी टॉक्सिक इफेक्ट से बचाता है। जी सर। अच्छा, अब ये किस किससे बचाता है प्लांट को? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो जीएसटी है, ग्लूथायोन एस ट्रांसपरेसेस, ये वो कौन सा ऐसा टॉक्सिक केमिकल है जो प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होता है और जिससे ये उसको बचाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। बच्चे आप जो आपके कौन है, हमें समझ आ रही है बच्चे? जी सर। अच्छा, एक असल में प्लांट्स के अंदर ना कुछ होती है, आपको पता होगा जब भी प्लांट्स के अंदर ना कुछ स्ट्रेस आता है, चाहे वो बायोटिक स्ट्रेस हो चाहे एबायोटिक स्ट्रेस हो, उस दौरान प्लांट्स के अंदर कुछ टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, टॉक्सिक केमिकल नॉर्मली जो उनकी नॉर्मली जो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, रेडिकल्स, जी सर, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ऑक्साइड्स जितने भी होते हैं, ऑक्सीजन है ना, O2 तो एक नॉर्मल मालिक्यूल है, एक अच्छा मालिक्यूल है, ठीक है, लेकिन जब O3 हो जाए, ठीक है, या H2O2 हो जाए, H2O तो अच्छा मालिक्यूल है, लेकिन H2O2 हो जाए, ये सारे के सारे क्या है? ये ऑक्साइड्स ऑक्सीजन के आगे डेरिवेटिव्स है। क्या है? डेरिवेटिव। अच्छा, ऑक्सीजन के जब ये डेरिवेटिव्स है ना, इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाए। जब O2 इज अ न्यूट्रल मालिक्यूल, O2 क्या है, ये न्यूट्रल है, लेकिन जब O3 हो जाएगा या कोई भी इस तरह का, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ये रेडिकल्स बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चार्ज आ जाए, क्या हो जाएंगे? ये चार्ज आ जाएगा, रेडिकल्स बन जाएंगे, रेडिकल्स बन जाएंगे। अच्छा, अब ये जो रेडिकल्स है ना, इसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, रॉस कहते हैं इसको, रॉस, ठीक है। अच्छा, जब ये प्लांट के ऊपर स्ट्रेस आता है ना, तो रॉस प्रोड्यूस होती है, और ये रॉस क्या करती है कि प्लांट के अंदर जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स है ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सेल मेम्ब्रेन, उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ये मेरी कहानी समझ आ रही है बच्चों? जी सर। ये उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जब ये उसको डैमेज करते हैं ना, तो प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा रिटार्ड होती है, देयर आर मेनी थिंग्स हैपन, लेकिन ये जो ग्लूथायोन एस ट्रांसफरेज, ये एक एंजाइम है, ये क्या करता है? अच्छा, अब ये कहानी यहां तक समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये रेडिकल से कैसे बचाता है? ग्लूथ ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ना प्लांट के अंदर। अब ग्लूथायोन एक एस ट्रांसफरेज, अच्छा, अब ग्लूथायोन एस ट्रांसफरेज एक एंजाइम है। अच्छा, अब ये एंजाइम क्या करता है? ये क्या करता है कि जो जितने भी रॉस होती है ना, रॉस, उसके ऊपर रेडिकल्स के ऊपर जो आइंस बनते हैं, आपको पता है रेडिकल्स कब बनते हैं? जब उसके ऊपर आइंस बनते हैं, आइंस बनते हैं, वो आइंस को ये कैप्चर कर लेता है। जी सर। H2O2,
H2O2 को दोबारा H2O में कन्वर्ट कर देता है। जी सर। सर आगे समझ। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अच्छा अब यहां तक आपको समझ आ गई कि ये H2O2 को H2O में कन्वर्ट कर देता है, अगर O3 है उसको O2 में कन्वर्ट कर देगा, इसी तरह HO उसको H2O में कन्वर्ट कर देगा, या जितने भी ये रेडिकल्स है ना। अच्छा अब ये कहानी यहां तक समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा अब एक और आप लोगों को टर्म आती होगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जी सर, तो केमिकल तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है किसी भी। अच्छा भी एडिशन ऑफ ऑक्स जो है ना, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, नहीं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑक्सीडेशन का मतलब ये भी होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाना, ये भी ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है, ऑक्सीडेशन। O2 है इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो ये O3 फर्स्ट किया हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन। अच्छा ऑक्सीजन का रिमूव होना सर रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना दैट इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रोजन आयन का ऐड होना सर रिडक्शन, रिडक्शन, हाइड्रोजन आयन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन आप लोगों को पता है। अच्छा अब ग्लूथायोन क्या करता है कि वहां से इलेक्ट्रॉन लेके ना खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। सर आ गया, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसकी रिडक्शन कर देता है, उसकी रिडक्शन कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। जी सर। अच्छा अच्छा अब ये ग्लूथायोन एस ट्रांसपरेज ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम एक्चुअली ग्लूथायोन की को ऑक्सीडाइज करता है। जी सर। भी ये ग्लूथायोन एस ट्रांसपरेज खुद नहीं कुछ करता, खुद नहीं, ये रेडिकल्स को पकड़ता है, उसमें से रेडिकल्स को के आयंस को ग्लूथायोन के साथ ट्रांसफर कर देता है। ये देखा लफ्ज का मतलब क्या है, ग्लूथायोन एक एक्चुअली अभी एस ट्रांसपरेज को आप एक साइड पे रखे, सिर्फ ग्लूथायोन एक केमिकल है जो के खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। मेरी बात की समझ आई, लेकिन ये खुद ऑक्सीडाइज कैसे होता है, इसको जीएसटी जो ग्लूथायोन एस ट्रांसपरेज एंजाइम है ये इसको ऑक्सीडाइज करता है। समझ आई जी सर। अच्छा अच्छा वेरी गुड। अच्छा अब आपको समझ आ गई कि GSTs are very important because they help ये अब इसका ना आगे एक्चुअली ये ग्लूथायोन, ये है ग्लूथायोन, अब ये देखना यूज एज ए डिटॉक्सिफिकेशन पाथवे इन प्लांट थ्रू द कैटालिटिक बाइंडिंग ऑफ ग्लूथायोन, ठीक है, तो उसको वेरियस हाइड्रोफोबिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रुप के अंदर वो कन्वर्ट कर देता है, पर ये ग्लूथायोन के जो कन्वर्ट कर देता है एस ग्लूथायोनाइलेटेड प्रोडक्ट्स में, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ये कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जीएसटीज क्या होते हैं, आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिड्यूसिंग ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड कंट्रोलिंग प्रोग्राम सेल डेथ इन प्लांट्स, जितनी ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होगी उतनी जल्दी सेल डेथ हो जाएगी, उतनी जल्दी सेल डेथ हो जाएगा, लेकिन अगर जीएसटीज होंगी उस सेल के अंदर तो क्या होगा, सेल डेथ नहीं होगी, कम होगी, कम होगी ही नहीं, नहीं पॉसिबिलिटी है कि वो कम हो, फिर होगी जी, ठीक है। तो जीएसटी जीन्स हैव हाईली ट्रांसक्रिप्ट अबंडेंस। अब दूसरी क्वेश्चन ये है कि ये जो एंजाइम है ना इसकी बहुत ज्यादा फॉर्म्स है और बहुत ज्यादा तादाद में प्लांट के अंदर ये प्रोड्यूस होता है, अगर ये प्रोड्यूस ना हो तो प्लांट बहुत जल्दी डेड हो जाए, थोड़ा सा भी स्ट्रेस के अंदर इसके
टिश्यूज डैमेज हो जाए, ठीक है? मेरी बात की समझ आ गई? जी सर। इवन आपकी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जीएसटीज होते हैं, आपके जो चेहरे के ऊपर झुर्रियां पड़ती हैं, वो भी रॉस की वजह से पड़ती है। लेकिन अगर एक ऐसी भी ऐसा ह्यूमन जिसके अंदर जीएसटी जीन्स एक्टिव है, अच्छा काम करते हैं, उनकी जरा झुर्रियां कम है, वो जल्दी जवान, वो जवान रहती है या रहता है, जो भी है। मेरी बात की समझ आ रही है? जी सर। लगी समझ? सर आ गई है। आ गई है, शुक्र है। अच्छा, अब आपको ये समझ आ गई कि व्हाट आर जीएसटीज। जी सर। अच्छा, जीएसटी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिमूविंग ऑक्सीडेटिव डैमेज प्रोड्यूस बाय बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, एबायोटिक स्ट्रेसर्स इन स्वीट पोटैटो। मेजोरिटी ऑफ द जीएसटी जीन वाज सिग्निफिकेंटली अपरेगुलेटेड इन अंडरग्राउंड टिश्यूज आफ्टर H2O2 ट्रीटमेंट। अगर हम स्वीट पोटैटो के ऊपर H2O2 की ट्रीटमेंट करें, बाहर से हम ये H2O2 ला के इसके ऊपर स्प्रे कर दें, तो जीएसटी जीन्स का एक्सप्रेशन हाई हो जाता है। व्हाई? सर वो एक्टिव हो जाएंगे ना सर, H2O2 को फिर H2O में कन्वर्ट कर देंगे। Exactly. अब आपको समझ आई कि why you are working on that? अब आपने देखना है कि जो आप grapes के अंदर GSTs कितने हैं। अच्छा, किस pathogen के against कौन सा GST activate होता है? अगर कोई ऐसी pathogen की बीमारी है plants को, Vitis vinifera को, तो हम देखें कि वो जीन किस कंडीशन के अंदर एक्सप्रेस होता है, तो हम प्लांट्स को वो कंडीशन ऑल द टाइम प्रोवाइड करते रहे, ताकि प्लांट के ऊपर किसी भी पैथोजन का या किसी भी स्ट्रेस का अटैक ना हो, या अटैक हो तो डैमेज ना हो। समझ आई बच्चों? जी सर। अच्छा, अब ये आगे अगर मैं आपको इस तरह ना समझाते रहे तो आपको बहुत देर लग जानी थी ये समझने में कि जीएसटीज होती क्या है। जी सर, समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि कॉटन के अंदर जीएसटी जीन शूट टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन एंड वर इंड्यूस्ड इन आर रिप्रेस्ड बाय साल्ट स्ट्रेसेस। ठीक है, साल्ट स्ट्रेस के दौरान भी इन्होंने कहा कि 7 सीएमए जीएसटीज वर हाईली एक्सप्रेस्ड इन कोल्ड टॉलरेंट पंपकिन। ठीक है, उसके अंदर कोल्ड के दौरान भी जीएसटीज प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर एक्टिविटी ऑफ जीएसटी वाज क्लोजली रिलेटेड टू प्लांट स्ट्रेस टॉलरेंस। जिस प्लांट्स के अंदर स्ट्रेस की टॉलरेंस ज्यादा होती है, उसके अंदर जीएसटीज ज्यादा होते हैं, ज्यादा एक्सप्रेस होती है। इस तरह एक्टिविटीज ऑफ जीएसटीज वाज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज आफ्टर द इंडक्शन विद प्लांट हार्मोन सैलिसिलिक एसिड। अगर आप प्लांट हार्मोन है सैलिसिलिक एसिड, उसकी भी ट्रीटमेंट कराएं पौधे के अंदर, तब भी जीएसटीज की एक्टिविटी इनहांस हो जाती है इस इथाइलीन के बाद भी, अब शिष्य के सर के दौरान भी। जी सर। ठीक है, जीएसटी जीन हैज बीन क्लोन इन मेनी प्लांट्स के अंदर ये यूज हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोटीन होमोलॉजी एंड जीन स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज जीएसटी जीन प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 14 सब फैमिलीज। ठीक है, अब आपने अच्छा ये देखिए, इसकी 14 सब फैमिलीज है। अब आपने भी इसी फैमिलीज के मुताबिक इसकी क्लासिफिकेशन करनी है। ठीक है। नहीं लगी समझ? सर समझ आ गई है सर, लेकिन अच्छा, ये नहीं पता करनी कैसे है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि हर फैमिली के दो दो तीन तीन मेंबर, पर के एफ टाइप के, यू टाइप के, एल टाइप के, टी टाइप के, जेड टाइप के, उसकी सीक्वेंस लेनी है और आपने अपनी सीक्वेंस के साथ मिलाकर फिर फाइलोजेनिक ट्री बनाना है। सही है, कैसे करेंगे? अच्छा, वो मैं बताता हूँ आपको। आपको इस पेपर, ये जो इस्लाम इटल वाला पेपर है ना, यहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ये जो टाइप्स है ना, और उसकी कौन कौन सा अरेबिडोप्सिस के अंदर वो जीन है। आप सिर्फ अरेबिडोप्सिस के ले लें। ठीक है, वो प्रोटीन सीक्वेंस ले। ठीक है,
फिर आपको पता चलेगा कि ये जो बिटस विनिफेरा है उसके अंदर ये इन सब के किस किस ग्रुप के जीएसटी इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक, कैसे पता चलेगा? मैं अभी बताता हूँ। अब ये इस्लाम डिटेल वाला पेपर, मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ, ये वाला पेपर। अच्छा, ये प्लॉस वन के अंदर पब्लिश हुआ है। इसको व्यू, इसको कहाँ की देखा जाए, गूगल स्कॉलर के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाला पेपर हम देखते हैं, टोमेटो के अंदर है। अच्छा, बल्कि ये देखे, ये भी पेपर इसके अंदर भी है कि नहीं, ये पेपर देखो तो। चले, इधर से आ रहा है। अच्छा, अब बच्चे थोड़ी सी अजय, अच्छा हो जाएगा कि हमें जरा तरीके से पता लग जाएगा कि कौन कौन सी इसके अंदर है वो। फाइलोजेनेटिक ट्री किधर है गया इसका, ये वाला। अब ये देखें, अब इसके अंदर इन्होंने ये बनाया हुआ होगा। अब ये देखें बच्चों, नहीं लगी समझ, ये जो है यू, ठीक है। अब फर्ज किया, अब इसने ये सीक्वेंसेस कहां से ली हैं? आपने हर एक ही ना ताओ, ताओ के ये सारे सीक्वेंसेस हैं। अब आपने इस ताओ के जितने भी सीक्वेंसेस हैं ना, इसमें से चार से पांच सीक्वेंस ले ले बस। ऑप्शन वाले ले ले और उसके साथ लिखते जाए ये वाले ताओ वाले हैं। तो सर, ये कैसे पता चलेगा कि ये ताओ वाले हैं? ये अच्छा, अब नेक्स्ट मैं एक बार देखता हूँ। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा इसको? अच्छा, एक बताता हूँ, इन्होंने ना सिर्फ एक सेशन नंबर नहीं लिखे हुए साथ है ना, ये कैसे पता चलेंगे कि ये ताओ वाले हैं, ये वो वाले हैं, ये वो वाले। एक बार इसका नेक्स्ट मैं जाता हूँ, शायद कोई हमें कोई क्लू मिल जाए। अच्छा जी, ये एक्सप्रेशन पैटर्न है, इसकी सीक्वेंस हमें कहीं से मिल जाए ना, ये भी हमें कहीं से मिल जाए इनकी सीक्वेंस, शायद कुछ सप्लीमेंट्री फाइल्स के अंदर हो इनकी सीक्वेंस। अच्छा, प्राइमर यूज इन स्टडी डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ प्यूटेटिव। अच्छा, जीएसटी प्रोटीन सीक्वेंस ऑफ, लो जी ए मिल गई जी, वाह जी, मिल गई पूरी पूरी फाइल ही मिल गई। ठीक है, इसमें से वो सीक्वेंस आप ले लें, ये देखें। अब यहां पर जो सीक्वेंस है ना, ये वाली, अब यहां से देखते जाए ये, ठीक है। अगर आप ये लिखा हुआ है SLSTU1, ये सोलेनम लाइकोपर्सिकम GSTU1, अब U1 वाले कौन से हैं, ये आपको यहां से पता चलेंगे इसी के ट्री से। ये तो टोमेटो के नहीं है फिर, हम तो ग्रेप्स पे कर रहे हैं। ओहो भाई, बात तो सुन लो, आपने ये सीक्वेंसेस के साथ अपनी ग्रेप्स वाली ऐड करनी है। ठीक है सर। अब ये देखो, अब ये जो है, अब इसको ना वैसे ट्री को डाउनलोड ही कर ले, सेव इमेज एज, मुजयन आपका किधर है सर? इन लोगों का ग्रुप ही नहीं बनना। क्या नाम है आपका बच्चे? सर हामिद है। क्या? हामिद। हामिद एंड हाफिज अहमद। और कौन है आपके साथ? हाफिज अहमद है सर। अहमद
अहमद सर मेरा भी लिख दें साथ, आपका है जिले हुआ। सिल्ले। बच्चे ये बहुत प्यारा पेपर लिखा लिखा जाना है, ये वाला स्पेशली जिले जी उमा। आपका काम किस पे कर रहे हो? सर, मेरा RBOH पे है वैसे सर, मैं वो भी कर रही हूँ और इस पे भी कर रही हूँ, मिलके कर रही इंशाल्लाह हूँ ये आपके दो पेपर आ जाएंगे। अच्छा, इंशाल्लाह सर। और इसमें आप काम है GSTs इन वेब्स। यस ठीक हो गया जी, हो गया जी, हो गया जी, हो गया जी। अब ये हो गई हमारी ये GST प्रोटीन सीक्वेंसेस, प्रोटीन सॉल्वेंट लाइकोपेप्टिड, DST फाइलोजेनेटिक्स। इसको सेव कर ले हम। ठीक हो गया, अब इसको हम खोलते हैं। खोलिया सिम सिम। अच्छा अब ये देखो बच्चों, अब आपने वहां से देखते जाना है। अच्छा अब ये है, ये जो फाइल है ना ये वाली, इसमें है SLSTU1, यू है ये SLSTU1। अब ये देखे SLSTU1, ये OS है, OS है, OS है, OS है, OS ये आई आ गया SLSTU1। यहां देखें ये कहां है SLSTU1, ये तो Arabidopsis thaliana। SLSTU1 यू वाले हैं कहां पर? ये एल वाले हैं, यू वाले इधर ही है। ठीक है, अब ये देखो ये सारे एस, ये यू वाले हैं सारे, ये जितने भी यू वाले हैं ना, ये देखे ये सारे के सारे हैं, ये किस टाओ फैमिली में बिलोंग करते हैं, कितने में? फैमिली। ठीक है, अच्छा अब मैं ना, अच्छा और उसके बाद है जो लैम्डा में है ना वो एल है। ठीक है, जो जीटा में है वो एंड के ऊपर जी आ रहा है, जो डहार में है जो एंड उसके ऊपर ए टी डहार लिखा हुआ है इन्होंने, थीटा के अंदर एंड के ऊपर टी आ रहा है। मेरी बात की समझ आ गई आपको? जी सर, बस आपने क्या काम करना है, आपने काम करना है कि ये जितनी भी सिक्वेंसेस हमारी आई है ना ये वाली, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं कि इस सारे को करते हैं कॉपी। तो सर क्या जो पहले सारी वाली है उनको रिमूव कर दें फिर सर? पहले अब सिट्रस इसको साइनेंस, सर एक सिट्रस मिनट, ओहो साइनेंसिस की ऐड की थी अंदर हमने। अब आपने उसको खत्म करें, ये कॉपी करें इसको, इसको अब हमने नोट पैड की फाइल के अंदर इसको खोलना है, नोट पैड प्लस प्लस। ठीक है, आपने अपनी जो इसकी है ना ग्रेप्स की, वो सिर्फ इसके अंदर ऐड करनी है आपने। ठीक है सर, अच्छा चाहे इसमें से किसी एक दो ऑर्गेनिज्म की खत्म भी कर दें, चाहे राइस वाली सारी खत्म कर दें ठीक है या रखनी है तो रख भी ले, कोई इशू नहीं है। अगर आप सर। चाहते हैं कि ये ज्यादा सिर्फ हो जाए तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का रखते हैं। चलो हॉर्टिकल्चर क्रॉप रख लें, बाकी डिलीट कर दें। ठीक है, ठीक है सर, से जरूर रखना बीच में। अच्छा लेकिन जी सर, एक और जरूर रखना जो हर एक के अंदर है, फर्ज किया। अब आप देखें अब इस जो हर एक के अंदर है, ये जो लास्ट वाली है ना, ये MGST, अब ये जो है,
एमजीएसटी, इसमें ओराइजा सेटिवा सिर्फ आ रहा है, लेकिन इसलिए ए हमें रखनी पड़ेगी। ठीक है सर। ठीक है, हर एक की कम से कम दो, सारी भी रख सकते हैं। अब ओराइजा भी इतनी ज्यादा है, अब इतनी सारी की बजाय ना हम एक दो रख लेते हैं, या इसकी ना रैपिड ऑप्शन की सारी रख लें। तो सर जो हमने निकाली थी रैबिडोप्सिस की वो रिमूव कर दें वहां से। वो रिमूव कर दें, आपने ये वाली सीक्वेंस अब लेनी है, फिर आपने उसी के मुताबिक और इसके अंदर ही सर ग्रेप्स वाली ऐड कर देंगे। हाँ, इसके अंदर ग्रेप्स वाली ऐड करके जो जिसके साथ आ रही होगी आपकी वो वाली सीक्वेंस उस फैमिली को बिलोंग करती होगी। ठीक है सर। अच्छा, ये करने के बाद फिर फाइनल ट्री बनाना है, फिर आपने ग्रुपिंग करनी है। मेरी बात किसी को जा रही है आपको? जी सर, वो सीक्वेंसेस इकट्ठी करके आपको दे देते हैं सर, कल फिर ग्रुपिंग कर लेंगे इनकी। चलिए आप करके तो देना आपको। ठीक है, मैं आपको जो भेज देता हूँ सारी है जो सीक्वेंस आई है और इसको इकट्ठी करके भेजे, आप मुझे भेज देंगे तो फिर मैं आपको ऑनलाइन ले लूंगा। ठीक है सर। सही, वैसे कल तक काम तो नहीं होगा सर, ये तो हो जाएगा लेकिन सारा कम्प्लीट तो नहीं होगा, फिर डेडलाइन वेडनेसडे तक की है। ये ग्रुपिंग करनी तो 5 मिनट का काम है तो सर, तो बाकी भी तो करनी है चीजें। चले करें तो सही जितना हो सकता है। ठीक है सर। ये मैं आपको सीक्वेंस भेज रहा हूँ। ठीक है, फाइल न्यू, मैं पेस्ट कर दी, मैंने नहीं नहीं कॉपी हुई सर। ये जो रिसर्च पेपर था ना, इसका लिंक भी सेंड कीजिएगा। ये ऊपर वाला ये डिलीट करना है। ठीक हो गया। अब यहां से इन्होंने हर एक के एंड के ऊपर ना ये स्टार डाला हुआ है, ये स्टार हमने रिमूव करना है। अच्छा, नेक्स्ट आपने ये भी लिखना है कि ये इसको डिफरेंट फैमिलीज के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है या सब ग्रुप के अंदर, वो किस बेस के ऊपर किया है, ये अब आपने पढ़ के मुझे बताना है कल। तो ये जो रिसर्च पेपर भेजा इससे, ये मैं आपको भेज देता हूँ, पढ़ के बताएं। ठीक है, ये वाला पेपर क्या बताना है आपको कल? ये जो इसकी इतनी अभी इसको इतने ग्रुप्स के अंदर कन्वर्ट किया है, ये देखो ना TCI, GHR, ये जो 14 के अंदर की, ये किस बेस के ऊपर इन्होंने ग्रुपिंग की है। ठीक है, आप अपना उस ग्रुप के, इन्होंने कोई ग्रुप बनाया हुआ है? सब बनाया हुआ व्हाट्सएप को मैसेज करें तो उधर मैं सारी चीजें भेज देता हूँ। मैं करता हूँ। इसका भी जिलेहुमा को भी ऐड कर दो, इसमें जिल है ऑलरेडी। ठीक हो गया, ये हो गया इसके अंदर चीज। और इसके अलावा मैं आपको सब पिक्चर भी भेजिएगा, वो पिक्चर भी भेज रहा हूँ। ये पिक्चर हो गई है। अच्छा, और इसके अलावा मैं सीक्वेंस भेज दूँ आपको जो डाउनलोड किया है उधर से, ये वाला, ये वाली है, ये अलाइनमेंट तो आपने भेजी थी मुझे। ठीक हो गया, इसके बाद मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ। ठीक है जी सर। और सर वो पूछ रहे सर, एंड नोट नहीं चल रहा तो सर दूसरे से रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं मेंडले से? मेंडले से कर ले। ठीक है सर, एंड नोट चल नहीं रहा, पहले तो इंस्टॉल ही नहीं था और सर पर वो नहीं चल रहा, सर मेंडले से कर लेते। क्या हो गया पता नहीं। अब चलेगा ये वाला, ये ठीक हो गया जी। और तो नहीं कुछ है चाहिए?
इसके नहीं सर, मैं सर बच्चे फिर रिकॉर्डिंग आप भी भेज अहमद आप सारे ना मैक्सिमम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करो, दूंगी जी सर। ठीक है? इंशाल्लाह बड़ा अच्छा पेपर पब्लिश होगा इसमें। ओके इंशाल्लाह जी, अल्लाह हाफिज। जी सर, ओके, अल्लाह हाफिज।